एजी सुनिए, राहुल का टिफिन दे आई है उसके ऑफिस में। राहुल की माँ बोली, क्या राहुल आज साथ में टिफिन लेकर नहीं गया? आज उसके ऑफिस में मीटिंग थी बॉस के साथ सवेरे सवेरे, इसलिए बिना टिफिन के ही वो चला गया। ठीक है मैं दे आता हूँ। राहुल के पिता तैयार होने के लिए कमरे में चले गए। एक दिन पहले, माँ मेरे दोस्त के पिताजी भी टीचर थे, उन्होंने देखो कैसे आलिशान बंगला खरीदा है, नहीं तो मेरे पापा, हम आज भी इस किराए के मकान में रहते हैं, राहुल गुस्से से बोला। राहुल तुम्हें पता नहीं शायद, पर तुम्हारे पापा घर में सबसे बड़े थे, इसलिए दो बहन और दो भाइयों की शादी उन्हें ही करनी थी, और साथ में तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा और तुम्हारी बड़ी बहन की शादी भी तो थी, किसने किया ये सब? क्या फायदा इन सब का? उनके भाई बहन अब बंगले में रहते हैं, कभी उन्होंने सोचा है कि अपना भाई किराए के मकान में रहता है तो उसके लिए छोटा सा घर खरीद के दे दे? ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जन्म दिया बेटा अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। फिर माँ बोली, तुम्हारे पिता ने अपना कर्तव्य निभाया, अपने भाई बहनों से कभी किसी चीज की उम्मीद नहीं की। राहुल पागलों जैसा बोल रहा था। अच्छा वो ठीक है, पर पिताजी लड़कों की ट्यूशन लेते थे, उनसे अगर फीस लेते तो आज पिताजी पैसों की गद्दी पर सोते। आजकल के क्लास वाले देखो कैसे इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन तुम्हारे पिता के कुछ उसूल थे, ज्ञान बांटने के पैसे नहीं लेने के, इसलिए तो उन्हें ढेर सारे पुरस्कार भी मिले, पता भी है तुम्हें? ये सुनते ही राहुल जोर से चिल्लाया, क्या फायदा इन पुरस्कारों का? क्या उनसे हमारा मकान बनेगा? पड़े हैं धूल खाते उस कबाड़ खाने में, कोई नहीं पूछता है उनको। तभी दरवाजे की बेल बजती है। पिताजी ने अपनी बातें तो सुन नहीं ली ना, इस डर से राहुल का चेहरा उतर गया, लेकिन पिताजी किसी से बात किए बिना ही अपने कमरे में चले गए। ये था कल का झगड़ा। और आज मोहनलाल ने साइकिल को टिफिन लगाया और कड़ी धूप में राहुल के ऑफिस पहुंच गए। कड़ी धूप होने के कारण वो थक गए थे। ऑफिस पहुंचने पर उनको सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। राहुल सर को टिफिन देना था, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मोहनलाल ने पूछा। अभी नहीं दे सकते, वो बॉस के साथ मीटिंग में है, जब मीटिंग खत्म होगी तब दे देना। चलो यहाँ से हटो, बॉस तुम्हें देखना नहीं चाहिए, अगर बॉस को दिख गए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, चलो जाओ उधर, गार्ड बोला। मोहनलाल कुछ ही दूरी पर धूप में खड़े रहे। मीटिंग एक घंटे से ऊपर तक चली। उनके पैर में दर्द होने लगा। तभी ऑफिस के केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। बॉस के पीछे पीछे राहुल भी आया। धूप में खड़े हुए पिताजी को देखकर वो मचलाया। चलते चलते बॉस की नजर मोहनलाल पर पड़ गई। गाड़ी में बैठने की बजाय वो वहीं खड़े रहे। वो सामने धूप में कौन खड़ा है? उन्होंने गार्ड से पूछा। अपने राहुल साहब के पिता हैं, टिफिन देने आए थे, गार्ड डरते हुए बोला। बुला उन्हें। राहुल घबरा गया, उसके पसीने छूट गए, उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। गार्ड के बुलावे पर मोहनलाल अंदर आए। बॉस उनके पास गए और बोले, आप मोहनलाल सर हैं ना? सरकारी स्कूल में आप ही टीचर थे ना? हाँ, पर आप कैसे पहचानते हैं मुझे? कुछ समझने से पहले ही बॉस ने मोहनलाल के पैर छुए। राहुल और सब लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। सर मैं विजय, आपका स्टूडेंट था, आप मुझे पढ़ाने के लिए घर आते थे। हाँ हाँ याद आया, बाप रे तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो। विजय मुस्कुराया और बोला, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर बैठते हैं, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? सिक्योरिटी ने शर्म के मारे गर्दन नीचे कर दी और बोला, सॉरी सर गलती हो गई। इस पर मोहनलाल बोले, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ही बाहर खड़ा हुआ था। ओके ओके। विजय ने मोहनलाल का हाथ थामा और उनको अपने केबिन ले गया। बैठिए सर, अपने कुर्सी की तरफ उंगली करते हुए विजय बोला। नहीं नहीं, यह कुर्सी तो तुम्हारी है। मोहनलाल हिचकिचाहट से बोले, सर आपकी वजह से ही तो यह कुर्सी मुझे मिली है, इसलिए इस पर सबसे पहले आपका हक बनता है। विजय ने जबरदस्ती मोहनलाल को अपनी कुर्सी पर बिठाया। शायद आपको पता नहीं, लेकिन अगर सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं अपने पिता के साथ उनकी दुकान में बैठा रहता, विजय ने अपने साथियों से कहा। राहुल और मैनेजर आश्चर्य से देखते ही रह गए। स्कूल के टाइम मैं एक एवरेज स्टूडेंट था,
मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, मार्क्स कम आ रहे थे, इसलिए मेरी माँ मुझे सर के पास उनके घर ले गई और ट्यूशन लेने के लिए कहा। पर सर के घर पर जगह नहीं थी, इसलिए वो हमारे घर आकर मुझे पढ़ाने लगे। लेकिन सर ने कभी फीस नहीं ली। सर के पढ़ाने के तरीके से फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ाई में रुचि आने लगी और मैंने 10वीं में दूसरा नंबर लाया। ये देखकर तो मैं हवा में उड़ने लगा। माय गुडनेस, पर सर ने कभी आपसे फीस नहीं ली, मैनेजर ने पूछा। मैं माँ के साथ मिठाई लेके सर के घर गया। माँ ने 50,000 का चेक सर को दिया, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया। तब सर ने एक बात कही थी जो आज भी मुझे याद है। सर ने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया, आपका बेटा ही होशियार था, मैंने सिर्फ उसे रास्ता दिखाया है। और मैं ज्ञान बेचता नहीं हूं, दान करता हूं। फिर मैंने 12th करने के बाद MS किया और अमेरिका जाकर पढ़ाई की और वापस आने के बाद ये कंपनी स्टार्ट की। एक पत्थर को सर ने हीरा बना दिया। सर, आपको सच में दिल से प्रणाम। मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए। यह सच में कमाल की बात है। बाहर दुनिया में पढ़ाई का बाजार चल रहा है और इन्होंने बिना फीस लिए पढ़ाया। मान गए सर आपको, ऐसे लोग उसूल के पक्के होते हैं। इन्हें पैसों की और पुरस्कार की भी चाह नहीं थी, इन्हें तो बस अपने स्टूडेंट का भला हो, यही दिन रात सोचते थे। सही कहा सर आपने, ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। सर, क्या आज आप उसी किराए के मकान में रह रहे हो? मोहनलाल की जगह राहुल ने ही जवाब दिया। हाँ सर, उसी किराए के मकान में रहते हैं। आज मैं अपने सर को गुरु दक्षिणा दूंगा। इस शहर में मेरे कुछ फ्लैट्स हैं, उसमें से एक फ्लैट मैं आपके नाम कर रहा हूं, विजय ने कहा। क्या? मोहनलाल और राहुल एक ही साथ बोले। इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, मोहनलाल बोले। सर प्लीज, ना मत कहिए, काम के चक्कर में मैं अपनी गुरु दक्षिणा देना भूल गया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया मुझे नहीं, अपने पिता को कहो। और मुझसे एक वादा करो कि तुम अपने पिता के अंतिम सांस तक उनके साथ रहोगे। हाँ सर, मैं वादा करता हूं। राहुल इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कभी भी अपने पिता से ये मत पूछिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और क्या कमाया है। जो कुछ कमाना है वो अपने दम पे कमाओ। उन्होंने हमें जो पढ़ाई और संस्कार दिए हैं वही आपको कमाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।